नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ये बॉलीवुड के सबसे महंगे गायक हैं। एक गाने के लिए लाखों चार्ज करते हैं। बॉलीवुड फिल्में और गाने पूरी दुनिया में मशहूर हैं। हमारे गायक देश और विदेश में बॉलीवुड गीतों को सुनने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये गायक गाना गाने के लिए कितना चार्ज करते हैं? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम इसी तरह की न्यूज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो चलिए, आज हम आपको बॉलीवुड के कुछ लोकप्रिय प्लेबैक सिंगर्स के बारे में बताते हैं जो लाखों में चार्ज करते हैं। श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल अपने कई गानों के लिए मशहूर है। आज वह बॉलीवुड की पहली पसंद है। श्रेया एक गाना गाने के लिए 18 से 20 लाख रुपए चार्ज करती है। नेहा कक्कर। नेहा कक्कर को आज बॉलीवुड में सबसे अधिक मांग वाली गायिका माना जाता है। उन्होंने पिछले कुछ सालों में कई सुपरहिट गाने गाए हैं। नेहा एक गाने के लिए 18 से 20 लाख रुपए लेती है। अरिजीत सिंह। अपने कई गानों से पहचान बनाने वाले अरिजीत सिंह बॉलीवुड में एक जाना पहचाना नाम है। आज के युवा उनके गानों का आनंद लेते हैं। अरिजीत सिंह एक गाने के लिए 14 से 18 लाख रुपए चार्ज करते हैं। हनी सिंह। रैप और बॉलीवुड की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम बन चुके हनी सिंह भी इस लिस्ट में शामिल है। हनी एक गाने के लिए लगभग 15 लाख रुपए चार्ज करते हैं। सोनू निगम। सोनू निगम जो 90 के दशक से फिल्मों के लिए गा रहे हैं, महान गायकों की सूची में शामिल है। सोनू निगम एक गाने के लिए 15 से 16 लाख रुपए चार्ज करते हैं। सुनिधि चौहान। बॉलीवुड की मशहूर गायिका सुनिधि चौहान भी अपने गानों से चर्चा में रहती है। सुनिधि चौहान एक गाने के लिए लगभग 9 लाख रुपए चार्ज करती हैं। सुखविंदर सिंह। सुखविंदर सिंह की आवाज का हर कोई दीवाना है। उनकी बुलंद आवाज गाने में और जान डाल देती है। सुखविंदर सिंह बॉलीवुड में सालों से काम कर रहे हैं और वह एक गाने के लिए लगभग 9 से 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं।